टॉपिक टाइप ऑफ फोर्सेस या इंट्रोडक्शन टू फोर्स. हमने क्योंकि फोर्सेस को स्टडी करना है और फोर्स नाम तो छोटा है लेकिन हर जगह और बहुत सारी टाइप ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं. तो अगर हम बात करते हैं मेजरली कितनी टाइप की फोर्सेस हैं, तो सबसे पहले टाइप ऑफ फोर्सेस में है ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच में होती है m1 m2, और ये हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होती है, और इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर. ये जो फोर्स है इसकी स्टडी करवाई जाएगी चैप्टर ग्रेविटेशन के अंदर. ठीक, अभी हम सिर्फ नाम दे के छोड़ रहे हैं लेकिन एक्चुअल में जो इसकी एक्चुअल स्टडी है ये पूरे 2 साल के अंदर हमने कितनी फोर्सेस स्टडी करनी है ये वो टॉपिक आपको बताया जा रहा है. नेक्स्ट जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो ओरिजिन है वो चार्ज है. तो अगर दो चार्जेस हैं तो दो चार्जेस आपस में अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं. ऑब्वियसली पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा. तो अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेज होती हैं, उनका जो मैग्नीट्यूड होता है उनकी जो फोर्स की वैल्यू होती है इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2 बाई आर स्क्वायर, इसके इक्वल होती है और ये कांस्टेंट है फिजिक्स में. epsilon naught इसकी कुछ वैल्यू है पर हम इसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे, बस ये बताया जा रहा है कि ये इसकी वैल्यू है जब दो चार्जेस हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस हैं. इसकी स्टडी प्लस टू के अंदर करवाई जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में. इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है डेली रूटीन में कहाँ काम आती है, अब मैं कोई चार्ज लेके तो घूमता नहीं हूँ कि ये तो फोर्स निकाल के दिखाओ, कहाँ काम आती है. जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है. हम कहते हैं कि ठीक है एक सरफेस रफ है और एक सरफेस के ऊपर रफ सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक को हम स्लाइड करवा रहे हैं, तो जो रफ सरफेस है वो क्या प्रोवाइड करेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगी. पर एक्चुअल में अगर आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करो, हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं जैसे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक मिनट में कैलकुलेट हो जाती है, लेकिन जो ओरिजिन है क्यों एग्जिस्ट करती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसका रीजन ये है कि दो बॉडीज हैं, ये मान लो एक स्मूथ सरफेस है, ये भी एक स्मूथ सरफेस है, इसमें फ्रिक्शन नहीं होगी. अगर सरफेस इसमें से रफ कर दी जाए तो ऐसी दिखेगी, देख रहे हो टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी रफ, और दूसरी भी रफ है, रफ और रफ ये देखो लॉक्स लग जाते हैं, लॉक्स नहीं लगते एक्चुअल में बॉन्ड्स बन जाते हैं, चार्ज शेयर हो जाता है, बॉन्डिंग हो जाती है और इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ती है. तो जो बॉन्ड को तोड़ने की फोर्स है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है. तो आप अगर ये सोच रहे हैं अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के चैप्टर के अंदर हम बॉन्ड स्टडी करेंगे केमिस्ट्री के लिए, वो नहीं करेंगे, लेकिन जो ओरिजिन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है. ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जैसे एक वायर है, एक रस्सी है, रस्सी को आपने खींचा टाइट हो गई, उसमें क्या आ गई टेंशन आ गई, तो स्ट्रिंग में टेंशन आ गई. वो रस्सी के अंदर फोर्स है वो क्यों है, रस्सी के अंदर कुछ नहीं है, धागे हैं, कुछ भी नहीं है, आप खींचते हो वो टूट भी जाती है. तो एक्चुअल में क्या होता है अंदर बॉन्ड्स बने हुए हैं, फिर से दो अंदर बॉन्ड्स बने हुए हैं. तो जब आप उसे क्या करते हो खींचते हो तो आप बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करते हो, लाखों बॉन्ड्स हैं ना उस मटेरियल में, लाखों बॉन्ड्स हैं. तो वो भी नेचर क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है. तो ये भी कौन सी टाइप की फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है. इवन आप जब हैंडशेक करते हो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करते हो, यहाँ पर भी कुछ हद तक बॉन्ड क्रिएट हो जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है. तो ये फोर्स जो है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है. तो ऐसी बहुत सारी फोर्सेज हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम सारी दुनिया की फोर्स को स्टडी कर नहीं पाएंगे. तो बस एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये फोर्सेज हैं क्या. ऐसी और फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, नाम से ही पता लग रहा है न्यूक्लियर फोर्स जो है वो न्यूक्लियस उसका ओरिजिन है. अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन्स. तो प्रोटोन प्रोटोन के ऊपर, प्रोटोन न्यूट्रॉन के ऊपर, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, उस फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं. इसकी स्टडी भी प्लस वन में नहीं करवाई जाएगी, ये प्लस टू का पार्ट है न्यूक्लियर फोर्स, पूरी मॉडर्न फिजिक्स इसे भरी पड़ी है, न्यूक्लियस के ऊपर स्टडी करवाई जाएगी. तो इसके अंदर ये जो फोर्स है ये वीक फोर्सेस होती हैं, शॉर्ट रेंज फोर्स हैं, बहुत बड़े डिस्टेंस पे काम नहीं करती. न्यूक्लियस होता कितना कि बहुत छोटा, तो बहुत छोटे डिस्टेंस पे काम करती हैं. तो अगर इनके न्यूक्लियॉन्स में किन्हीं भी दो न्यूक्लियॉन्स में डिस्टेंस 10^-14 मीटर के आसपास है या उससे ज़्यादा है तो ये फोर्स वीक होती है. लेकिन अगर ये डिस्टेंस स्मॉलर देन 10^-15 मीटर हो जाए तो ये फोर्स बहुत स्ट्रांग हो जाती है,
अगर ये डिस्टेंस 10^-15 मीटर से छोटा हो जाए तो ये स्ट्रांग हो जाएंगी, लेकिन अगर डिस्टेंस 10^-14 से ज़्यादा कर दें तो ये वीक हो जाएंगी। ऐसा क्यों है? ये न्यूक्लियर फोर्सेज को बाद में न्यूक्लियस को जब स्टडी करते हैं तब पढ़ाया जाएगा। तो अभी सिर्फ नाम बताया कि ये भी फोर्सेज दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। उसी तरीके से वीक फोर्सेज भी मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, जिसके अंदर आपको अजीब लगेगा, न्यूट्रॉन कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है, और साथ में क्या रिलीज करता है? इलेक्ट्रॉन। जब न्यूक्लियस ब्रेक होते हैं तो ऐसे रिएक्शन चलते हैं, तो वहां पर जो फोर्स इन्वॉल्व है वो वीक फोर्सेज हैं। ये भी प्लस टू का पार्ट है। तो क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स दो टाइप की फिजिक्स होती हैं। क्लासिकल फिजिक्स वो फिजिक्स है जिसमें जो साइज ऑफ पार्टिकल जिसके ऊपर काम किया जाता है, डस्ट पार्टिकल है, चाहे कार है, चाहे ट्रक है, कुछ भी जिसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो या जिसके ऊपर स्टडी कर रहे हो, उसका साइज 10^-6 मीटर से बड़ा है। तो अगर पार्टिकल का साइज 10^-6 मीटर से बड़ा है तो उसमें उसको क्या बोलते हैं, हम क्या स्टडी कर रहे हैं? क्लासिकल फिजिक्स। ऐसी फिजिक्स में न्यूटन के लॉज, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज, ये सब एप्लीकेबल है, सही रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर पार्टिकल का साइज 10^-6 मीटर से कम हो जाता है, फिर न्यूटन के लॉज, फोर्सेस, मास इनटू एक्सेलरेशन काम नहीं करता, वहाँ पर सब लॉज फेल हैं, तो हम नए रूल्स बनाते हैं वहाँ पर उन पार्टिकल्स के लिए। और हम कौन सी फिजिक्स स्टडी करते हैं? क्वांटम फिजिक्स। हम प्लस वन के अंदर इतने छोटे पार्टिकल पर काम नहीं करते। हम किस पे काम करते हैं? हम बड़े पार्टिकल पे काम करते हैं। और कौन सी फिजिक्स स्टडी करने जा रहे हैं? क्लासिकल फिजिक्स। क्लियर है? तो ये फोर्स की इंट्रोडक्शन है।